नमस्ते दोस्तों, आज मैं ब्रेड से बनने वाली बहुत ही टेस्टी बच्चों के लिए नाश्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप इसे सैंडविच बोल लीजिए, पिज्ज़ा बोल लीजिए, जो भी सबका टेस्ट इसमें आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे एक ब्रेड, और ब्रेड पे लगाएंगे हम ये मेयोनीज। बच्चे को ना इसका टेस्ट बहुत पसंद आता है, आप बच्चे को लंच बॉक्स पर भी इसे बना कर दे सकती हैं, उन्हें बहुत पसंद आएगा। बच्चे के बड़े को भी बहुत पसंद आता है, एक बार ट्राई करके आप ज़रूर देखिएगा, और बहुत ही आसानी से बन जाता है। और उसके बाद डालेंगे इस पे ना थोड़ा सा ये प्याज का एक स्लाइस हमने कट कर लिया है, थोड़ा सा गाजर, थोड़ा सा खीरा, थोड़ा सा पनीर, आपके पास जो भी चीज़ हो वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास अभी ना यही सब है, और थोड़ा सा एक काली मिर्च नमक का पाउडर। और उसके बाद डालेंगे इस पे ना ग्रेट करके चीज़ें, चीज़ से ही इस नाश्ते का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और बच्चे को बहुत पसंद आता है। और दूसरे ब्रेड के स्लाइस पे हम लगा लेंगे सॉस, और ये सॉस भी ना स्पाइसी है, तो इसलिए अलग से हमें मिर्ची वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पूरे ब्रेड पे हम अच्छे से सॉस को लगा लेंगे, उसके बाद इसे ना अच्छी तरह से हम कवर कर देंगे। दूसरे वाले पीस को भी हम तैयार कर लेंगे। तो इस पे पहले हम सॉस लगा लेते हैं अच्छी तरह से। दोस्तों देख रहे हैं ना आप, ये नाश्ता बनाना कितना आसान है और टेस्टी बहुत है। जब भी इसे आप बनाएंगे ना, बच्चे आपसे मांग मांग कर खाएंगे। और इसी तरह से इस पे प्याज, गाजर, खीरा, पनीर सब डाल देंगे। थोड़ा सा वही काली मिर्च का पाउडर और नमक डाल देंगे। और ऊपर से पनीर को, चीज को ग्रेट कर लेंगे पनीर को। आप जब भी ये नाश्ता बनाएगा चीज जरूर डालेगा, चीज से ही नाश्ते का टेस्ट ना बहुत बढ़ जाता है। और दूसरे वाले पे मेयोनीज लगा लेंगे और इसे भी कवर कर देंगे अच्छी तरह से। अब चलिए इसे रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पैन लिया, उस पर एक चम्मच तेल डालेंगे, तेल भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। और आप चाहें तो यहाँ पे बटर, घी, जो भी चाहे आप यूज कर सकते हैं। और दोनों ब्रेड को हम इस पर डाल देंगे और 2 मिनट के लिए इसे ढक कर पकाएंगे, ज़्यादा देर नहीं ढकना है, बस 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट बाद देखिए मैं इसे पलट देती हूँ, पलट कर भी इसे सेक लेंगे। और 2 मिनट इसे भी, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाएंगे। गैस का फ्लेम ना यहाँ पे हम मीडियम या लो रखेंगे, तेज पे जल जाएगा। और देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है। दूसरे वाले को भी हम निकाल लेंगे। और चलिए मैं इसे कट करके भी आपको दिखा देती हूँ। देख रहे हैं ना दोस्तों, कितनी आसानी से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो गया। आप जब चाहें इसे बना सकते हैं, इसके लिए बहुत सोचने की हमें ज़रूरत नहीं है, बहुत आमदन करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से बनने वाला ये नाश्ता है। तो चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट करके भी मुझे बताइए कैसा लगता है आपको मेरा रेसिपी।